दोस्तों आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में अब काफी कम समय, काफी कम दिन बचे और आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत से ठीक पहले अब यहाँ पर आरसीबी की टीम को बड़ा झटका लगा है, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर अपनी इंजरी से लगभग 2 से 3 महीने बाद फिट होकर आए थे और अपने कमबैक गेम में इनकी रिस्ट इंजर्ड हो चुकी है और रिस्ट इंजरी के चलते वो आईपीएल से ये कंप्लीटली रूल्ड आउट हो चुके, आईपीएल से कंप्लीटली बाहर हो चुके। हालांकि आरसीबी ने इनके बाद होती है अब इनके आईपीएल की रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैक्सवेल के अचानक बाहर होती है, आरसीबी की टीम ने आखिर किसे मैक्सवेल के बैकअप या फिर रिप्लेसमेंट तौर पर अपनी टीम में शामिल किया, मैक्सवेल की जगह कौन सा खिलाड़ी आरसीबी में अब हमें नजर आएगा, आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि मैक्सवेल के बाहर हो जाने के बाद यहां पर आरसीबी की टीम आखिर इनकी क्या रिप्लेसमेंट अनाउंस करी, आरसीबी के डायरेक्टर माइक हेसन ने और यहाँ पर इस टीम के हेड कोच संजय पागर ने रिप्लेसमेंट को लेकर क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया, कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने यहाँ पर 3 महीने की अपनी इंजरी के बाद यहाँ पर जो कमबैक किया था, उस कमबैक के पहले मुकाबले में स्लिप में फील्डिंग करते हुए मैक्सवेल के हाथ में काफी मेजर इंजरी हुई है। कैच पकड़ने के प्रयास में इनके हाथ में काफी बड़ी इंजरी हुई, इस इंजरी से इनकी रिस्ट पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और इनकी रिस्ट को अभी रिकवर होने में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। अभी आईपीएल शुरू होने में लगभग लगभग 1.5 महीने का समय बचा और इनको फिट होने में लगभग 2 से 2.5 महीने लगेगा। तो यहां से ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि ग्लेन मैक्सवेल आधा आईपीएल तो नहीं खेल पाएंगे, आईपीएल का फर्स्ट हाफ यानी आईपीएल के 6 से 7 मुकाबले ये 100% कंफर्म रूप से यहां पर मिस करेंगे और मैक्सवेल अब यहां पर आईपीएल के 6 से 7 मुकाबले मिस करेंगे। तो आरसीबी की टीम अगर इनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देती है तो मैक्सवेल यहां पर बचे हुए मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैक्सवेल की जगह यहां पर इवन लुइस को या फिर किसी भी प्लेयर को आरसीबी की टीम अपनी टीम में अगर शामिल कर लेती है तो मैक्सवेल अगर बीच आईपीएल फिट भी हो जाते हैं तो ये आरसीबी के लिए एक भी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, इसके बाद अगले साल ही आरसीबी के लिए मुकाबला खेल पाएंगे। तो इस वजह से यहां पर इस टीम के अब डायरेक्टर माइक हेसन और हेड कोच यहां पर संजय बांगर ने ये फैसला लिया है कि ये टीम मैक्सवेल की यहां पर रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं करेगी, बल्कि मैक्सवेल 31 मार्च से पहले अब इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे और शुरुआती 6-7 मुकाबले यहां पर डगआउट से देखेंगे और यहां पर अपने आप को फिट करेंगे और फिट हो जाने के बाद 6-7 मुकाबलों के बाद वो यहां पर डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। हालांकि मैक्सवेल की जगह ये टीम कोई भी खिलाड़ी नहीं बुला रही, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं बुला रही, क्योंकि यहां पर संजय बांगर ने और माइक हेसन ने बताया कि इस टीम के पास फिन एलन और विल जैक्स का काफी अच्छा विकल्प है, स्पेशली अगर इस टीम को ओपनिंग स्लॉट में बल्लेबाजी की यूज होगी तो ये टीम फिन एलन को यूज करेगी और विल जैक्स का तो हमने देखा कि S20 लीग में विल जैक्स ने काफी विस्फोटक पारियां खेली थी। तो कुल मिलाकर मिडल ऑर्डर में मैक्सवेल जब तक अवेलेबल नहीं होंगे प्लेइंग 11 का भाग यहां पर विल जैक्स रहेंगे, विल जैक्स को ये टीम यहां पर मैक्सवेल की जगह अब प्लेइंग 11 में यूज करेगी। तो माइक हेसन ने तो ये बता दिया कि विल जैक्स अब मैक्सवेल को रिप्लेस करेंगे और मैक्सवेल अगर फिट हो जाएंगे तो उसके बाद मैक्सवेल प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आरसीबी के खेमे से ये बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं, और आप कौन सी टीम की यहाँ पर आईपीएल की न्यूज जानना चाहते हो आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।